नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताजा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो इन कर्मचारियों ने बड़ा फैसला लिया है, वहीं यह फैसला यात्रियों के लिए राहत भरा है। तो क्या यह तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो HRTC चालक यूनियन ने हड़ताल टाली, सामान्य तौर पर चलेंगी रात्रि बस सेवाएं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से बैठक के लिए समय देने के बाद HRTC चालक यूनियन ने हड़ताल टाल दी है। अब रात्रि बस सेवाएं सामान्य तौर पर चलेंगी। 18 मई को सुबह 11:30 पर सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और HRTC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार चालक यूनियन के पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। वहीं इससे पहले HRTC चालक यूनियन ने अग्रिम रात्रि भत्ता न देने पर रात्रि सेवाओं के बहिष्कार का ऐलान किया था। वहीं HRTC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा कि निगम के सभी मंडलीय प्रबंधकों और क्षेत्रीय प्रबंधकों को चालक परिचालकों से बातचीत कर विश्वास में लेने और जनता को असुविधा में न डालने को लेकर बात करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कुछ सप्ताह पहले ही निगम के कर्मचारियों को 2 महीने का ओवरटाइम जारी किया गया है। इसी महीने के अंत तक 1 महीने का ओवरटाइम देने का आश्वासन दिया है। तो कुल मिलाकर यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश के HRTC चालक यूनियन ने हड़ताल टाल दी है। तो सामान्य तौर पर ये रात्रि बस सेवाएं चलेंगी। तो बता दें कि इसी महीने के अंत तक 1 महीने का ओवरटाइम देने का आश्वासन इन कर्मचारियों को दिया गया है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।